आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं आपका वोट मारने नहीं। दमोह लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने के बाद तेंदुखेड़ा पहुंचे। जबेरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं दमोह लोकसभा प्रत्याशी प्रताप सिंह लोधी ने शुक्रवार को तेंदुखेड़ा नगर पहुंचकर जनता से जीत का आशीर्वाद लिया और कहा कि आप लोगों से मैं वोट मांगने नहीं आया हूं, आप लोगों से आशीर्वाद लेने आया है। आपको बता दें कि दमोह लोकसभा से कांग्रेस सरकार द्वारा प्रताप सिंह लोधी को प्रत्याशी बनाया गया है और जबेरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी है और हमेशा से ही क्षेत्र के लोगों के बीच जाकर उनका उठना बैठना लगा ही रहता है। वहीं तेंदुखेड़ा के राम मंदिर पहुँचे, जहाँ पर भगवान श्री राम के दरबार में पूजन अर्चना की, अपनी जीत के लिए भगवान के दरबार में माथा टेका। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। जब तेंदुखेड़ा नगर की जनता से पूर्व विधायक के संबंध में बात की गई तो वहां गए लोगों ने बताया कि हमेशा से ही क्षेत्र की जनता के सुख दुख में हमेशा साथ दिया है। जबेरा विधानसभा कांग्रेस प्रवक्ता दीपक कटारे, मदद नामदेव, रामकुमार साहू, मुन्ना अनिल पाराशर, प्रहलाद भक्त यादव, नामदेव गौरव दुबे, दिलीप खटीक, कपिल गोटिया, राहुल चौकसे, पीताम्बर साहू, रतन साहू, गोपाल दिलीप यादव, राजकुमार लोधी दुबे, अर्पित वेदपुर, रजनीश यादव एवं हजारों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे।